मत कीजिए। यह लहलहाती सोयाबीन की फसल नहीं, तराना नगर में स्थित तालाब में अपने पैर पसारती जलकुंभी है, जो किसी खेत में लहराती फसल के समान दिखाई दे रही है। यह नगर परिषद तराना की उदासीनता एवं राजनेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते मछली पालकों के विवाद का परिणाम है। नगर में स्थित यह तालाब ग्रीष्म काल में नगर में हैंडपंप ट्यूबवेल कुओं में जलस्तर बढ़ाने का एकमात्र जल स्रोत है। पता जाता है कि जब तक तालाब में पानी रहता है, तब तक नगर में ट्यूबवेल हैंडपंप में पानी बना रहता है। गत वर्ष तो औसत से दुगनी वर्षा होने के बाद भी जलकुंभी ने तालाब का पानी सोख लिया था। इस वर्ष तो औसत वर्षा भी नहीं हुई है। नगर परिषद यदि समय पर तालाब से जलकुंभी नहीं निकलती है तो जलकुंभी तालाब का पानी लील जाएगी और ग्रीष्म काल में नगर के जल स्रोतों में पानी सूख जाएगा। नगर परिषद के पास जलकुंभी को जड़मूल से नष्ट करने का कोई स्थान समाधान नहीं है। नगर परिषद के पास जलकुंभी को जड़मूल से नष्ट करने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि नगर में चलती चर्चाओं के अनुसार कुछ नेताओं ने पट्टावाद के चलते अपने पट्टों को मछली पालन के लिए तालाब की नीलामी नहीं मिलने पर उनसे तालाब में जलकुंभी डलवा दी, जिसका परिणाम नगर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। उज्जैन तराना से अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। ये नगर परिषद की उदासीनता के कारण है जो जलकुंभी डाली गई है, क्या है पूरा मामला है? ये गत वर्ष नगर परिषद की उदासीनता के कारण भोई समाज के आपसी विवाद में ये बीच का आया हुआ है जी। निरंतर जल तोड़ता है ये तालाब का, इसकी सफाई अगले साल से भी नहीं हुई थी। कुछ लोग आते हैं नगर पंचायत के, चार लोग जो खेल मस्ती में दिन भर लगाते हैं और जलकुंभी बरकरार आपके सामने खड़ी हुई। मतलब ये साल भर से इस चीज़ का विवाद चल रहा है, पूर्व में भी नगर पंचायत केवल डींगे हाँकते हैं, बात दिखावे करते हैं और अभी तक जलकुंभी नहीं निकाली गई है और अभी वापस दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच फिर जलकुंभी डाल दी गई है। ये अगले साल की चीज़ है जी, वापस पानी मिलने पर वापस आपके सामने खड़ी हुई है। इससे क्या नुकसान क्या होता है? जल का दोहन करती है, जल को नष्ट करती है। इसमें विषय में आपने वार्ड वासियों या मोहल्ले वाले ने नगर पंचायत का अवगत कराया अभी वापस? यहाँ के वार्ड मेंबर को अवगत कराया गया था, कई बार बोला भी गया है, मौखिक लिखित में किसी ने दिया नहीं है जी। बाकी आपके सामने तो मतलब करवाता हूँ जो इस बार भी आपके सामने। अच्छा, कई बार सीओ आपको अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सब लोग शमशान का रास्ता इसलिए, जनप्रतिनिधि भी शुरू से निकलते हैं दर्शन करने, सब देखते हैं, बाकी कार्रवाई कोई नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आसपास का जो हेडपम्प का वाटर लेवल भी इससे तालाब की वजह से बना रहता है वो सब, जब इसका दोहन पानी सूखता है या सोखती है पानी को तो स्वाभाविक है कि जल दोहन होता ही है, इससे तो वाटर लेवल कम हो गए। ठीक साहब, धन्यवाद। नगर पंचायत की लापरवाही चलते जलकुंभी ने काफ़ी समय से पैर पसार रखे हैं और कहीं ना कहीं दो गुटों की लड़ाई के चलते ये काम नगर परिषद द्वारा किया जा रहा था, क्या कहेंगे विषय को लेकर? जो आपने विषय बताया ये निश्चित ही एक नगर के लिए समस्या है और कहीं ना कहीं हम विशेष समाज की जो लड़ाई चल रही है उससे हटके हम नगर हित में, मैंने नगर पंचायत सीओमओ से भी बात करी है, उस विषय में अनुविभागीय अधिकारी को भी उस दिन जाके मैंने बताया कि जलकुंभी के लिए कुछ उपाय किए जाएं। मुझे आश्वस्त किया गया है कि इसको लेकर हमने अभी जैसे भी सीओमओ साहब ने बताया कि हम जल्द से जल्द इसको निराकरण करेंगे और इसको हटा देंगे। सर, सूत्रों की माने तो करीबन दो काफ़ी समय से समस्या चल रही है और नगर परिषद सीओमओ को कई बार अवगत करा चुके हैं समाचार के माध्यम से, पूर्व में भी अवगत कराया जाए और वापस ये समस्या फिर पैदा हुई है। सर, इसमें अगर कड़ा निर्णय अगर पहले ही ले चुके हो तो शायद आज स्थिति निर्मित ना होती। निश्चित ये बात ठीक बताइए आपने, पर जैसा कि मेरे तो जानकारी में ऐसी मिली है कि कहीं ना कहीं कोर्ट तक मामला पहुँचा है दोनों की लड़ाई में और मैंने अधिकारियों से बोला है कि इसमें कोर्ट को अलग करते हुए जनहित में कार्य जो है इसे किया जाए और कड़ाई से इसका पालन करें, ऐसा मेरे द्वारा निर्देश मैंने नगर पंचायत सीएम को दिए। धन्यवाद सर।